ऑनलाइन क्लास में पावर बीआई की डैक्स फंक्शन वाली क्लास में हम बात करने जा रहे हैं मैथमेटिकल फार्मूला कैटेगरी की। ये फार्मूला का लिस्ट है और इसमें बहुत सारे फार्मूले मैथमेटिक्स से है, तो फिलहाल इसको हम वही पढ़ेंगे जो हमें जरूरत है। सबसे जैसे पहले जाइए एवीएस की। एवीएस का यूज क्या होता है? एब्सोल्यूट रेफरेंस, मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव में करता है और पॉजिटिव को नेगेटिव में करता है। आप बोलेंगे इसका यूज क्या है? तो जैसे कि अगर आपके पास मान लीजिए आपका अर्निंग का डेटा आया, तो अर्निंग के डेटा में अगर मान लीजिए अर्निंग में क्या है, जैसे आपको अगर 20,000 सैलरी मिली तो 20,000 आपकी अर्निंग हुई और आपके क्रेडिट कार्ड में 5,000 का कैशबैक मिला तो डिस्काउंट, तो आपका अर्निंग कितना हुआ? 2500 हुआ, 25,000 हुआ ना सर, क्योंकि 5,000 जो आपको कैशबैक मिला वो भी तो आपकी अर्निंग है। क्या बोल रहे हैं सर? हेलो, क्या सर? मैं बोल रहा हूँ कि आपके मान लीजिए कि आपकी 25,000 का अगर मान लीजिए 25,000 सैलरी, 20,000 आपकी सैलरी मिली और 5,000 आपका कैशबैक मिला, तो टोटल अर्निंग कितनी हुई आपको? 25 कैशबैक भी तो मिला आपको? हाँ, कैशबैक तो आपको अर्निंग ही हो ना, लेकिन जो कैशबैक का डेटा आपको भेजेगा वो तो माइनस में भेजेगा क्योंकि उसके लिए तो खर्चा है। क्या सर? स्टेटमेंट में कैशबैक तो माइनस में होगा ना। अगर मान लीजिए आपको टोटल अर्निंग जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? अगर मैं अगर होम पे आता हूं और मैं एंटर डेटा पे जाता हूं, राइट, एक टेबल नया बना देता हूं, तो जैसे कि हमने यहां पर मान लीजिए कि नेम दे दिया, मंथ दे दिया और यहां पे हमने बोल दिया अर्निंग। अर्निंग में अगर जैन महीना का अगर आपका इनकम 20,000 है और फिर वापस जैन महीना में आपको माइनस 5,000 का कैश बैक है, 2,000 हो गया। ऐसे आपका फैब में अब 2,000 ही हुआ कुछ। फैब में मान लीजिए कि आपका 36,000 आपका इनकम आया और फैब में ही आपको -6,000 का कैशबैक आया। मार्च में आपको मान लीजिए कि आपका 78,000 अर्निंग है और मार्च में ही आपको -8,000 का कैशबैक। ऐसे मान लीजिए है और मैं इसको हम ए डेटा के नाम से सेव कर देते हैं, लोड कर देते हैं। तो पावर बीआई में इस तरह से डेटा भी लोड कर सकते हैं सर। हो गया, क्रिएट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं, हर बार इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। ओके, ये डेटा आ गया, राइट। तो अब प्रॉब्लम यह है कि अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे विजुलाइजेशन में आता हूँ और एक विजुलाइजेशन एक रिपोर्ट तैयार करता हूँ मैं, और ए डेटा से मान लीजिए मुझे मंथली इनकम चाहिए, राइट। तो ए डेटा में मान लीजिए कि हमने यहाँ पे मंथ डाल दिया और यहाँ पे अर्निंग डाल दिया, तो इसमें आप देख रहे हैं कि आपका यहाँ पे 70,000 ही दिख रहा है, दिख रहा है सर, जबकि 78,000 होना चाहिए ना, क्योंकि एज पर योर डेटा डेटा में अगर आते हैं तो ये आपका मार्च में 70,000 या 8,000 मिला के होना चाहिए सर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि माइनस हो गया, तो एक्सेल इसके लिए पावर बीआई के लिए तो माइनस ही है ना सर। तो इस केस में क्या करेंगे? तो इस केस में हम यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड करेंगे, कैलकुलेटर कॉलम। तो हम यहाँ पे हम न्यू कॉलम पे जाएंगे और हमारे पास फॉर्मूला होता है एवीएस का, एवीएस फॉर्मूला क्या करता है? हालांकि इसमें एक एवीएस फॉर्मूला का काम क्या है, एब्सोल्यूट रेफरेंस देता है, मतलब कि वो माइनस को प्लस में बट प्लस को प्लस में ही रखता है, देख गया, माइनस को
प्लस में और प्लस को प्लस में ही रखता है। तो एबीएस का एक कॉस थीटा का होता है, क्वेश्चन नंबर दिखाता है, कॉस थीटा होता है, साइन थीटा होता है, टैन थीटा होता है। सेलिंग, सेलिंग जो है एक अच्छी चीज है, सेलिंग के बारे में जानते हैं। जैसे कि अगर हम अपने डेटा पे आते हैं, मैं कोई और डेटा पे जाता हूं, आप राउंड के बारे में तो जानते ही होंगे सर। हेलो, इसके बारे में राउंड, राउंड जी हाँ जी हाँ, एबीएस भी पता है, एक्सेल में होता है एबीएस भी। हाँ, तो यहाँ भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे इसका ये जो रेवेन्यू जमा निकला हुआ, राइट, और मुझे मान लीजिए कि इसमें से मुझे अपना एक निकालना है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो मान लीजिए मुझे इसमें से 37,500 है, बट मुझे 37,500 नहीं चाहिए, मुझे 1,000 का राउंड चाहिए। मतलब खाए तो 37,000 होगा या 38,000 होगा, बात समझे कि नहीं। 500 का 1,000 का मल्टीप्लेक्स चाहिए। तो मैंने यहाँ पे न्यू कॉलम पे आया, मुझे 1,000 पे राउंड करना है, समझिए ना। तो यहां पे हम लगाएंगे फॉर्मूला सेलिंग का। सेलिंग, सेलिंग में नंबर, नंबर में हमारा रेवेन्यू आ जाता है, और यहां पे सिग्निफिकेंट कितना का करना है, तो 1000 का, 1000 का आ जाएगा। देखिए ये हमेशा अपर में आएगा, किसमें आएगा, अपर में। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं लोअर में आए, तो आप सेलिंग के जगह पे फ्लोर का इस्तेमाल करें। किसका, फ्लोर। फ्लोर भी सेम काम करता है, पर राउंड डाउन जाता है। जैसे राउंड राउंड अप होता है, ऐसे आपका ये राउंड डाउन होता है, समझ गए। तो सेलिंग का यूज इसलिए होता है, कॉमन का कम्युनिकेशन होता है, नंबर होता है, इसका कोई खास यूज नहीं है। करेंसी डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है, इसका कोई खास डेटा नहीं है। फैक्ट, ए फैक्ट आपका फैक्टोरियल नंबर देता है, फ्लोर बताइए आपको। जीसीडी आपका महत्तम निकालता है, इंट इंटीजर में कन्वर्ट करता है, मतलब कि डेसिमल्स को रिमूव करने का काम इंट का काम होता है। जैसे एग्जांपल कि मैंने मान लीजिए कि टैक्स निकाल दिया, जीएसटी निकाल दी, मान लीजिए 18% निकाला, तो कैसे किया हमने, हमने बोला कि आर रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाई 18%। परसेंट का सैंपल लगेगा, मैं भूल जाता हूँ, 0.18। डेसिमल नंबर और डेसिमल प्लेसेस को यहां से बढ़ाया जा सकता है। मुझे क्या करना है कि इसका डेसिमल आया, मतलब डेसिमल रिमूव करना है। तो राउंड का फॉर्मूला तो है, लेकिन राउंड तो राउंड करता है, मतलब नियरेस्ट में करता है ना सर। बट इसको अगर आप इंट में कर देंगे, आई एन टी इंट कर देंगे, तो ये आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला को ही गायब कर देगा, मतलब कि इंटीजर डेसिमल को ही राउंड कर देगा सर, राउंड फिगर में डाल देगा इंट का फॉर्मूला। ओके, आई एस ओ सेलिंग भी सेम ही है, मल्टीपल इंडेस्ट मल्टीपल सिग्निफिकेंट ले सकते हैं। ये आई एस ओ जो है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हमने सेलिंग बताया आपको मैंने, इसमें आपको मल्टीपल सिग्निफिकेंट दे सकते हैं इसमें सर। जैसे कि आपने ये दे दिया, और यहाँ पे आपने बोल दिया कि डेसिमल में कि भाई 5 का गैप होना चाहिए, और इसका यूज हम कभी करते नहीं है। उसके बाद ये आपका एलसीएम निकालता है, जो मैथमेटिक्स में हम निकालते थे, ये आपका लॉग निकालता है, ये भी दोनों लॉग का ही है, ये लॉग 10 भी है, जो आपका एंगल निकालता है ना उसके लिए। एम राउंड, ये आपका मल्टीपल राउंड होता है। मल्टीपल राउंड मतलब कि अगर आपको मान लीजिए ना कि 50 है आपके पास नंबर्स, बट 50 नंबर्स सही नहीं है,
आपको जैसे मान बैचेस में कन्वर्ट करना है, मान लीजिए मुझे जैसे कि मान लीजिए कि मुझे मेरे पास टोटल 50 बच्चे आए हैं, राइट, बट उनको 70 के हमें एक बैच में कम से कम 70 चाहिए, तो हमारा बैच पूरा तो उसको नहीं बन पाएगा ना सर, क्योंकि 70 को 50 से डिवाइड तो नहीं हो सकता, एक बैच में भी बच्चा कम जाएगा। तो मुझे ये निकालना है कि कितने स्टूडेंट होंगे कि 70 बैच मिल जाएंगे। जैसे कि मैथ हम लोग 10th क्लास के मैथमेटिक्स में पढ़ते थे कि वो नंबर याद करे जो 17 से विभाज्य हो जाए और 5 के नियरेस्ट हो जाए कि नजदीक हो, तो आपको 51 निकाल के देगा। ये मेरा मल्टीपल राउंड इसका फुल फॉर्म है। ऑड आपका ऑड में आता है, पाई आपका पाई का मान देता है 3.14, उसके बाद पावर जो है आपका पावर स्क्वायर आता है, प्रोडक्ट आपका मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, और प्रोडक्ट एक्स क्या करता है, ये उसका सम भी कर देता है, पूरा टेबल के ईच कॉलम में मल्टीप्लाई करता है, लेकिन इसका कोई खास नहीं है। अच्छा, ये डिवाइड के लिए कोटेंट होता है, डिवाइड के अगर दो बीच के अंदर डिवाइड करा लेते, जनरली सिंबल्स कर लेते हैं ना, बट ये डिवाइड के लिए नया फंक्शन है। यहाँ पर जैसे 5 और 2 आ गया, दिख रहा है सर आपको? अगर हम इसमें एक नया टेबल ऐड करते हैं, लेकिन डिवाइड जनरली हम लोग कर ही लेते हैं ना। जी हमने दे दिया 10, वो आ गया, तो डिवाइड करता है, डिवाइड के लिए अलग से फॉर्मूला दे दिया, बट हम लोग तो नॉर्मली फॉर्मूला लिखा है ना हमारे पास, डिवाइड का साइन सिंबल दे देते हैं, इसलिए रेडियंस है। एक डिग्री को कन्वर्ट करता है, रैंडम नंबर देता है 0 से बड़ा और 1 से कम, रैंड बिटवीन, आपको पता ही मैंने एक्सेल में काफी यूज किया है। अब आगे आती है राउंड के फॉर्मूले, राउंड राउंड डाउन राउंड अप, जो कि एक्सेल में वही यहां भी है, इसमें कोई चेंज नहीं है। एक्सेल में तो यूज करते थे ना आप सर इसको? राउंड, ये आपका राउंड का फॉर्मूला क्या करता है, नियरेस्ट में नियरेस्ट देता है। ऐसे आपका राउंड डाउन का फॉर्मूला है, वो हमेशा नीचे लोवेस्ट देगा। एक मिनट, सिंटैक्स इज इनकरेक्ट। और डिजिट अच्छा, मैं 0 नहीं दे सकती इसमें क्या? एक्सेल की तरह इसमें भी हो सकता है कि कैलकुलेशन में राउंड नहीं लगता, उसको अलग लगाना हो, ये दे देता हूँ। हाँ, राउंड, राउंड में हमने सिलेक्ट कर लिया GST कॉमा 0, नंबर ऑफ डिजिट 0। अगर राउंड का फॉर्मूला या राउंड डाउन का फॉर्मूला याद रखिएगा, कैलकुलेशन के बीच में नहीं लगा सकते हैं। एक्सेल में भी प्रॉब्लम होती है और यहां भी प्रॉब्लम हो रही है सर, ठीक है? हेलो, हाँ जी सर, इसका ध्यान आप रखिएगा, क्योंकि एक्सेल में ऐसी प्रॉब्लम होती थी हमारे राउंड की। ऐसी राउंड अप का फॉर्मूला है, ए जैसे 0.1 हुआ फिर भी वो 2 दिखाएगा, अगर आप राउंड डाउन की बात करें तो 0.96 भी हुआ फिर भी वो 1 दिखाएगा। तो राउंड हम लोगों को सिखाया जाता था कि राउंड होता है इंटरनल ट्रांसफर के लिए,
राउंड डाउन होता है जब किसी के पैसा देना हो, और राउंड अप होता है जब किसी से पैसा लेना हो। बाकी आप समझ गए होंगे, ये साइन साइन देता है, जैसे कि आपका जीरो है तो जीरो, माइनस में तो माइनस वन, प्लस में तो वन। ये स्क्वायरटी आपका रूट निकाल कर देता है, और सम तो जानते ही है, और सम 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 एक्स भी जानते होंगे आप, सम एक्स तो बता ही नजर आपको सब। एक आपका ट्रंक का फॉर्मूला है, ट्रंक गेट निकालता है। ट्रंक गेट्स मुझे भी नहीं पता ट्रंक गेट्स होता क्या है, ट्रंक गेट्स क्या होता है, काफी टाइम मैथमेटिक्स पढ़े हो गए ना सर, लेकिन मैथमेटिक्स का है तो कम ही होगा। आई थिंक रिटर्न होल नंबर, ओके हाँ, ट्रंक गेट रिटर्न करता है होल नंबर को। जैसे आपने यहाँ पे माइनस 4.31 किया तो रिटर्न करेगा माइनस 4, और इन रिटर्न करता है 5। जी हाँ, ट्रंक गेट वही है, वो पूरा एक होल नंबर देता है। तो मैथमेटिकल फंक्शंस में आप एक बार अपने ध्यान से देख लीजिएगा, कोई इसमें दिक्कत होगा तो बताइएगा कि सर मुझे ये फॉर्मूला दोबारा पढ़ा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूला मैथमेटिक्स से है तो उसको पढ़ाने के लिए मैथमेटिक्स आपको पढ़ाना पड़ेगा, और हमें नहीं लगता है कि आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ने के मूड में हैं। क्या लगता है संदीप जी, इतने सालों बाद नहीं पढ़ना है? पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। अब यहाँ पे आपके सामने स्टैटिकल फॉर्मूला है, और स्टैटिकल फॉर्मूला भी मैथमेटिक्स का ही पार्ट है। स्टैटिक्स आपने पढ़ा हुआ, सांख्यिकी इसका हिंदी में हम लोग पढ़ते थे, हिंदी मीडियम में मीन मीडियन मोड मेन है, इसका मीन मीडियन मोड ही तीन फॉर्मूला जो है। हाँ, तो एवरेज फॉर्मूला आपके सामने है, जो कि जैसे सम है वैसे एवरेज निकालता है। आपने हमने इसको यूज करके भी दिखाया आपको, हालांकि ये मेजर्स में यूज किए वाले फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा जी। स्टैटिकल फॉर्मूला में जो बता रहा हूँ ये मेजर्स में यूज करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे पता लगाना है कि मेरा एवरेज डेमो कितना आ रहा है, समझे? तो हम इसको कॉलन में नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसका रिजल्ट सिर्फ सिंगल आता है, सिंगल सेल में। इसके अंदर में देखिए इसका क्या बोलते हैं, जो मेजर से लगने वाले फॉर्मूले का सिंपल सा रोल है कि आपको चेक करना होगा कि आप जो फॉर्मूले लगा रहे हैं उसमें इनपुट सिंगल है या होल कॉलम है। अगर होल कॉलम का रिजल्ट लेके अगर सिंगल रिटर्न देता है, इसका मतलब है ये मेजर्स में यूज होने वाले फंक्शन है। तो अगर मैं यहाँ पे मेजर्स में जाता हूं, और यहां पे एवरेज का फॉर्मूला आता हूं, एवरेज देखिए, एवरेज और एवरेज ए, तो एवरेज में ट्रू एंड फॉल्स को कंसीडर नहीं करता है, लेकिन एवरेज ए आपका ट्रू एंड फॉल्स को भी कंसीडर करता है। फॉल्स को जीरो समझता है एंड ट्रू को वन समझता है। तो इसमें मान लीजिए कि मैं लेता हूं डेमो और इसको करता हूं क्लोज, तो ये आपका एवरेज निकाल के दे देगा, और इसको यूज हम अपने इसमें कार्ड पे या जहां भी करना है आप वहां कर सकते हैं, समझे? इसमें लीजिए और अपने एवीजी को डाल दीजिए, 3.3 का एवरेज है। और आपको एवरेज एक्स जैसे सम एक्स था फिल्टर के साथ यूज होता है, ऐसे आपका एवरेज एक्स है। आई थिंक आप इसको लगा लीजिएगा, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। हेलो हाँ जी, तो आप लोग क्या कीजिएगा, स्टैटिकल फॉर्मूला को हम कल वापस कंटिन्यू करेंगे आपके साथ। लेकिन स्टैटिकल फॉर्मूला में भी कोई खास फॉर्मूले नहीं, जैसे एवरेज हमने बताया ऐसे आपका एवरेज एक्स है। एवरेज एक्स जैसे कि मैंने बताया आपको, जैसे सम एक्स था मैक्स एक्स था, ऐसे यहाँ भी यूज होता है। उसके बाद आपको काउंट का फॉर्मूले है, काउंट एक्स है, काउंट ब्लैंक है, काउंट रो है, क्या मैक्स के भी फॉर्मूले हैं। तो ये फॉर्मूले आप खुद भी लगा सकते हैं, फिर भी आप एक बार लगा के देखिएगा, फिर भी समझ में नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे इसमें से। तो कल हमारा फॉर्मूले का लास्ट क्लास होगा, मैंने कि लिस्ट वाइज फॉर्मूले का हमारा कल लास्ट क्लास है, और हम कल के बाद
बात करेंगे रिलेशनशिप पे और डैक्स क्यूरी की तरफ बढ़ते जाएंगे, राइट सर।